ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बड़ी गुह्य बात समझाई है। बाबा कहे, निराकारी स्वरूप में तुम सभी आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की सजनिया हो, और दूसरी ओर जब साकार जिस्म के रूप में अगर देखा जाए तो तुम सभी शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हो। बाबा कहे, ये ऐसी बात है जो दुनिया में मनुष्य समझते नहीं है और इसीलिए मूंझ जाते हैं, लेकिन तुम्हें सबको स्पष्ट करके समझाना है। साथ ही साथ बाबा कहे, ये तुम्हारी यात्रा है, रूहानी बुद्धि की यात्रा है, और इस बुद्धि की यात्रा से हम तीनों लोकों का सैर करते हैं। दुनिया में मनुष्य आत्माएं इतना जिस्मानी यात्रा करते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को ये बुद्धि की यात्रा सिखाई है और कहा, इस यात्रा के माध्यम से कदम कदम आगे बढ़ते चलो और पावन बन जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? उत्तर है, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनिया आत्मा है। तुम जानते हो मेल हो या फीमेल हो, एक शिव परमात्मा की सजनिया आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा, फिर जिस्म के हिसाब से, शरीर के हिसाब से हम शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम एक किस जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बातें। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं इस धरती के प्यारे। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है। किसने बनाया? भक्ति मार्ग वालों ने, जो पास्ट में हो गया है उनका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं, उन्हों की बुद्धि में क्या रहता है यात्रा करते समय। बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्य का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ, तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा तरफ। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हो। बाबा कहे, अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? ये घर बैठे कैसे यात्रा कर रहे हैं? तो बाबा पूछते, कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधा या धोरी आदि में लग जाते हैं
तो इतनी याद नहीं रहती, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी। हम यात्रा पर है, नॉलेज बड़ी सहज है, बच्चे समझते भी है। बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे, पावन बनाने लिए जरूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम, जिसको सभी भक्त याद करते हैं। ये किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है, वह हमको भगवान के पास जाना है। ये भी नहीं जानते कि भगवान को हमारे पास आना है या हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहां क्या किया? जाकर बैठ गया? क्या हुआ? वह कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ कह देते पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है इस अंतिम जन्म में। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहे, पहले पहले तो बच्चों को ये निश्चय हुआ कि हम आत्मा है। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां है। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, परंतु यह है बहुत गुह्य पेचदार बातें। तुम अपने को शिव बाबा के पोतरे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोतरे पोतरियां ही ठहरे। बाबा ने समझाया है, तुम्हारा दादे की मिल्कायत पर हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कायत न दे, ये हो सकता है। नालायक होगा तो मिल्कत न दे, ये हो सकता है। परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सत्युग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है, 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परम पिता परमात्मा है दादा, यानी ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये मात पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं, दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह है, अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। दो बाप तो जरूर है, प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर को सभी मानते हैं, वह बड़ा है दादा। ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है, विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे, ब्रह्मा ही जरूर यहां ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है ना, शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में
टाल टालियां तो होती है। यह है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियां अभी यहां ही कहेंगे। ये सारे मनुष्य की रची हुई रचना है। सारी टाल टालियां मनुष्य की रची हुई रचना है। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है, जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं। ऐसे नहीं सभी टाल टालियों का बीज रूप ऊपर में है। ये बड़ी महीन बातें हैं। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है, क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वह कभी बदलता नहीं। तो ये बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अब पतित से पावन बन रहे हैं, सदैव एक रस नहीं रहते हैं। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। सत्युग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं। निराकार परमात्मा को न जानने कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं। मेन बात बाबा कहे कि पूरा न जानने कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना, परमात्मा अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, तो परमधाम से आते हैं। वह हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। ऐसे दादे को याद करने से उछल पड़ना चाहिए खुशी में। बलराजे रजवाड़े बहुत शाहूकार है, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। ये बातें अभी तुम समझते हो, सत्युग में फिर ये बातें भूल जाती है। वहां इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़ी रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर ये समझे तो फिर यह भी समझे कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को यह पता नहीं रहता कि यह राजधानी हमको किसने दी है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। तो कितने श्रेष्ठ हुए, देवताएं भी जिस बात को न जाने वो बातें हम जानते हैं, तो कितने श्रेष्ठ हुए। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहां तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाप है, इनके तन में दादा यानी ग्रैंडफादर आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती है शरीर धारण करने, उनको अपना शरीर है नहीं। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, उनको कहा ही जाता है परम आत्मा।
इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पतित से पावन बनाता हूं। हूं मैं भी आत्मा, मेरे में जो नॉलेज है वह तुमको देता हूं। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज न होने कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दिया बुझ जाता है, फिर उसमें ज्ञान द्रुत पड़ने से दीवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल करने वाला, परमात्मा है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है, शीतल जिनके अंग हो, शीतल जिनका तन। इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। शिव बाबा की प्रवेशता से ब्रह्मा बाबा के अंग भी शीतल हो जाते हैं। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है, शीतल जिनके अंग। इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है। शीतल और तत्तल यानी गर्म। ये काम चिता पर जल मरे हैं। बात मत पूछो, कोई कोई तो ऐसे पाप आत्मा है जो कितना भी ज्ञान छिटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं। बाबा कहे इतने जल मरे हैं जो कितना भी ज्ञान छिटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक के ऊपर बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो। सन्यासी उदासी थोड़ी कभी ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है। काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो प्रजा पिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा, तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सन्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत शाहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितने बार वर्षा लिया और गवाया है। परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते हैं, कल फिर गवा देंगे। ये बातें तुम अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कोई तेजोमय बिजली बन जाते हैं। यह है सारी बड़ाई। जैसे कृष्ण की बड़ाई की जाती है, वह जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन रोशनी तो थी ही। बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी। यह भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है। बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर निकलती है।
महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग ऊपर में है। पूछो तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? तिलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखाते हैं। नीचे में है आदि देव आदि देवी, जगत पिता और जगत अम्बा, तो जरूर वह नीचे नरक में बैठे हैं। स्वर्ग में जाने लिए राजयोग सीख रहे हैं, यह तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहां आकर बैठे हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। दादा कहे किसके बने हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, मेहनत बिगर थोड़ी विश्व का मालिक कोई बनेगा। वह मेहनत है स्थूल, यह है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना धंधा आदि करना ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी न मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हो तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे, हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाए तो चल कैसे सके? तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, दादे से अखुट खजाना मिलता है, कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो गयो बहु परिवार। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं तो वो झाड़ आदि देखने में आते हैं। तुम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान शीतल बन, ज्ञान छींटा दाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। समीप संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूं ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते
इसीलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। बाबा कहे, सदा नशे में रहते, प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। अच्छा, ओम शांति।